हरियाणा रोडवेज न्यू वैकेंसी 2022। दोस्तों हरियाणा रोडवेज में चालक और परिचालकों के पदों पर नई भर्तियां कब तक होंगी और आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी हरियाणा रोडवेज में वो आपकी HSC CET के अकॉर्डिंग उन भर्तियों को करवाया जाएगा या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उन भर्तियों को करवाया जाएगा। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। हरियाणा रोडवेज से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों आपको भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है कि भाई हरियाणा रोडवेज में जो है चालक और परिचालकों के पदों पर नई भर्तियां कब होंगी और जो भी हरियाणा रोडवेज में नई भर्तियां होंगी वो आपकी HSC CET के अकॉर्डिंग इन भर्तियों को करवाया जाएगा या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इन भर्तियों को करवाया जाएगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना। ये देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की कटिंग हमने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 1275 नई बसें। इसके लिए दोस्तों 2500 करोड़ का जो इसका बजट है उसके लिए हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपकी AC बसें भी रहने वाली हैं और नॉन AC बसें और मिनी बसें भी इसमें आपकी शामिल रहने वाली हैं। इसके लिए दोस्तों टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा रोडवेज भर्ती को लेकर, क्योंकि 1275 बसें जब हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल की जा रही हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों इसके लिए आपको चालक और परिचालकों की भी आवश्यकता होने वाली है। और दोस्तों कच्ची भर्तियाँ जब करवाई जाती हैं जबकि डिपार्टमेंट के पास कर्मचारी नए हों, क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा था कि चालक और परिचालकों के लिए जो है आपके डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए गए थे, वो इसी कारण जमा करवाए गए थे कि भाई हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जो है चालक और परिचालकों की भी काफ़ी संख्या में कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए कच्ची भर्तियां करवाई जा रही थी। जब तक कच्ची भर्तियाँ होती हैं जब तक पक्की भर्तियाँ नहीं हो पाती हैं, लेकिन अब HSC CET की परीक्षा होने के बाद आपको हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल हो जैसे ही होंगी तो उसके तुरंत बाद ही आपकी पक्की भर्तियों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आप ये देख लेना दोस्तों, चालक और परिचालकों के पदों पर पक्की भर्तियां होंगी और CET परीक्षा होने के बाद इन भर्तियों को शुरू किया जाएगा। CET परीक्षा होने के तुरंत बाद दोस्तों आपकी हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसको भी शुरू किया जाएगा, यानी कि नवंबर या दिसंबर महीने तक जो आपकी CET परीक्षा होने के बाद जनवरी फरवरी महीने से जो है आपकी आगे की जो भर्तियां हैं उनकी प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि CET परीक्षा होने के बाद भी इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि HSC ने जो है आपको एक एग्ज़ाम और लेना है, आपका ग्रुप सी के लिए आपका एक एग्ज़ाम एक और होना है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा इन पदों के लिए। जब तक दोस्तों आप अपने, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, और परिचालक के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये कनेक्टर लाइसेंस का होना ज़रूरी है। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जॉब या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।